बैक टू द चैनल जस्टिफाई योर ब्लेसिंग्स विद सुनीता, और मैं हूँ सुनीता, जहाँ हम बात करते हैं मेनली फैशन, डीआईवाईज और ऑनलाइन शॉपिंग हॉल्स की। तो जो भी मैं ऑनलाइन मंगाती हूँ आप लोगों के साथ टाइम टू टाइम शेयर करती हूँ। लास्ट टाइम मैंने शेयर किया था आपके साथ किचन हॉल, जो आप लोगों को बहुत पसंद भी आया, और अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो मैंने दिवाली के लिए सामान मंगाए हैं। तो जो अभी लास्ट सेल गई है अमेजोन पे और मीशो पे, मैंने वहां से सामान मंगाया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि दिवाली से पहले एक सेल और आएगी, तो अगर आपको ये वाले हॉल में से कुछ भी समझ में आता है, लगता है आपके घर में फिट बैठेगी वो चीज, तो सारी चीजें रीजनेबल प्राइस में है और अच्छी है क्वालिटी वाइज, वो ही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो एक दो अच्छी नहीं थी वो मैंने रिटर्न कर दी, वो भी आपको दिखाऊंगी कि कैसी आई थी। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से हॉल। तो चलिए फटाफट से शुरू करती हूँ आपको प्रोडक्ट दिखाना, लेकिन अगर आपको इनमें से कोई भी प्रोडक्ट अच्छा लगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। और दूसरी चीज, सारे प्रोडक्ट जो हैं वो लगभग हैं 20, तो देखते हैं इस वाले वीडियो में कितने कवर होंगे। इन केस उसमें से कोई चीज आपको समझ में ना आए तो इसका पार्ट 2 आएगा जल्दी ही, तो उसमें आप जरूर देखिएगा, तो ट्यून इन रहिएगा चैनल पे। तो फटाफट से आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या मंगाया है। ये जितना आप देख रहे हैं ना, ये सारे कार्डबोर्ड में सब में आइटम्स हैं जो आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ, और लगभग 20 हैं। अभी सबसे पहले जो मंगाया है सोफे के लिए वो दिखाती हूँ आपको, क्योंकि मेन जो डेकोरेशन मेरी लॉबी में हो सकती है वो या तो टीवी यूनिट और उसका कॉर्नर है या फिर सोफा है, बहुत ज्यादा जगह है नहीं। तो मैंने सोफे के लिए क्या क्या मंगाया है वो मैं आपको फटाफट से दिखाती हूँ। नंबर 1 है ये कुशन, देखो ये 16x16 में है, और ये जो है ना बारीक बारीक, ये सारा सीक्वेंस का काम है, और ये फर में है, वेलवेट अलग होता है। ये देखो ये हल्के हल्के से ना फर में है, इस तरीके से करेंगे तो ये हाथ में ऐसे ऊपर को हो रहा है, और बहुत ही सॉफ्ट है, क्वालिटी बहुत बढ़िया है। और सबसे बड़ी चीज, ये जो सितारे लगे हुए हैं ना, ये बहुत ही सफाई से लगे हुए हैं, एकदम इसमें बिल्कुल बढ़िया करके एक एक तार से ये लगाए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि चिपकाए हुए हैं। और पीछे की साइड में आपको दिखाऊं तो इसमें ये रॉ सिल्क लगा हुआ है, और क्लोजर है इसका चेन वाला। तो ये है जी कुशन 16x16 की, ऑफ व्हाइट कलर में है, लेकिन इसमें बहुत सारे कलर अवेलेबल हैं, व्हाइट के अलावा ग्रीन, ब्लू, रेड, मेहरून, मतलब बहुत सारे हैं। तो ये 5 का ये सेट आया है। अब ये बात करती हूँ ये मिला कितने का है, ये मिला है सेल में सारे डिस्काउंट लगा के 306 रूपये का। ठीक है, एक चीज ये हो गई। अब इसी के साथ दूसरी चीज जो मंगाई है वो जो छोटी वाली कुशन आती है ना 12x12 साइज की, उसके लिए, तो इसके कॉन्ट्रास्ट में, इसमें एक्चुअली मैंने ना सी ग्रीन कलर नहीं मंगाया था, मैंने मंगाया था मतलब स्काई ब्लू, प्रॉपर ब्लू कलर था लाइट वाला, लेकिन जब ये आया है ना तो ये सी ग्रीन आया है, तो सही लग रहा था रख के, तो मैंने फिर नहीं वापस किया इसको, क्योंकि क्वालिटी वाइज आप देखो बहुत अच्छा आया है। ये है इसका, अब ये 12x12 की ना बहुत जल्दी मिलती नहीं है, 16x16 काफी कॉमन है। तो ये जो है सिल्क का कपड़ा है, और ये सारी है ना इसके अंदर बुनाई है, ये कुछ भी ऊपर से स्टिच नहीं है, तो इसमें से कुछ भी वर्क ऐसा नहीं है कि ये प्रिंट है उतर जाएगा या कुछ है, ये सब बुनाई है। और पीछे इसमें भी रॉ सिल्क लगा हुआ है, देख ना स्टेडीनेस है इसमें उस वाली से भी ज्यादा। तो क्वालिटी वाइज इतना अच्छा था कि मैंने इसको रख लिया। अब बात करते हैं इसके पैसों की, तो ये पड़ा है जी 178 रूपये का, बस 178 का पड़ा है ये कुशन कवर का सेट पूरा, और इसमें भी बहुत सारे कलर हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया है मंगाया ब्लू था, आया ये है, तो मे भी उनके पास भी शॉर्टेज चल रही हो, पर क्वालिटी वाइज अच्छा है, तो आप जो भी कलर अपने लिए मंगाना चाहें वो वाला आपके लिए, मतलब क्वालिटी अच्छी है अगर आप चाहो। चाहे सबके कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप लोग जरूर कमेंट करके बताना कि आपको कोड से प्रोडक्ट सर्च करना आसान लगता है या फिर लिंक से, तो आप जैसे बोलोगे मैं वैसे दे दूंगी। तीसरी चीज आती है सोफे के बाद टेबल, तो टेबल के लिए मैंने ना ये टेबल रनर मंगाया, अभी आपको खोल के है जी, और ये ना मैं आपको बताऊं मैंने अभी यूज भी नहीं किया, लेकिन ये इंस्टाग्राम के बहुत सारी रील्स में मुझे दिख गया, और ये इतना देखो ये है इस तरीके का, आप साइड में देखना, वीडियो प्ले करूंगी जब ये आया था, और मेन कैमरे से मैंने जो इसकी बनाई है आप वो देखना। और ये ना मतलब ये ऐसे करके देखो, ये सॉफ्ट है एकदम, और क्वालिटी वाइज अच्छा है, जो ये पत्तियों के किनारे से है ना, देखो आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से इसमें फिनिशिंग दी हुई है, और हल्का सा गोल्डन भी ना दबा हुआ है, फ्लैशी वाला नहीं है। इसमें ऑप्शन क्या क्या थे, इसमें आपको सिल्वर कलर मिल जाएगा, और इसमें आपको जो रेड वाला होता है कॉपर कलर सा वो भी मिल जाएगा। तो ये सेंटर टेबल के लिए है, जो कॉफी टेबल रहती है ना उस तरीके के लिए। और इसके पैसे मैं आपको बताऊं तो ये पड़ा है जी 224 रूपये का,
पीवीसी के मटेरियल में लिखा हुआ है और ये 224 रुपए का है। एक बार आप इसको देख लो क्लोजर लुक, बाकी साइड में जो मेन कैमरा वाली चल रही है वो आपको दिख जाएगी। तो ये है, ये देखो अच्छा है ना। तो ये है जी 224 रुपए का टेबल मैट। तो इन तीनों चीजों से मेरा सोफा जो है वो सॉर्टेड हो गया। अब चलते हैं बाकी हिस्सों की तरफ। जो एक लंबी वाली कुशन आती है ना, जैसे वो रखी है देखो उधर कुर्सी पर एलिफेंट वाली, वो छोटी वाली जो होती है पिलो, एक ही उस साइज का मंगाया है टू ऐड सम कलर्स। तो व्हाइट हो गया और वो सी ग्रीन हो गया, तीसरा कलर जो है वो ये ऐड करूंगी, ये है देखो। और जितना ब्राइट ये इसमें दिख रहा है ना, बल्कि ये आपको कैमरे में दिख रहा होगा अलग सा हॉट पिंक सा, लेकिन ये नियॉन पिंक है एक्चुअल में। और पीले रंग के इसमें पॉम पॉम जो है ये भी स्टिच हुए हुए हैं, ये चिपके हुए नहीं है। बाकी कपड़े की क्वालिटी इसमें रॉ सिल्क की ना थोड़ी हल्की है, मतलब ऐसे देख रही हूं मैं तो मुझे आरपार नजर आ रहा है। तो लेकिन ये है कि कवर चढ़ाने के लिए इसमें कोई आरपार हमें तो पहनना नहीं है, पर फिर भी देखो इसके अंदर का टैग है ना, अब ये नजर आ रहा होगा आपको भी। तो कपड़े की क्वालिटी इन्होंने थोड़ी हल्की रखी है इसमें, बाकी पॉम पॉम में और उस चीजों में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो ये दो हैं। और आजकल ना जैसे वो पॉम पॉम वाले वो सोफा कवर बहुत चल भी रहे हैं, और उसका मैंने डीआईवाई करने का सोचा है। ये वाला सामान मैं सारा संगवा के रख दूंगी, उसके बाद मैं पक्का ऊन लाऊंगी और उसके बाद वो चीजें बनाऊंगी। तो आप ब्लॉग वाले चैनल पर बने रहना, वहां पर आपको मिलेगी उसकी डिटेल। तो ये अभी मैं कह रही थी ना तीन चीजों से, तीन से नहीं एक्चुअली चार चीजें हो गई और इसको मैंने रख दिया। ये सारी हमारी सोफे की चीजें हो गई। अब इसके बाद देखो मैं आपको दिखाऊं कि क्या क्या आया है जो दिवाली के डेकोरेशन के लिए हम चीजें लाएंगे उनको टांगने के लिए। ये मैंने हुक मंगाए हैं। अभी इनकी क्वालिटी को लेके मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि मैंने अभी एक भी इनमें से यूज नहीं किया। इनको यूज करने से पहले ना हमें दीवार बिल्कुल अच्छे से क्लीन करनी है, लेकिन जो मेरे सब्सक्राइबर ऑलरेडी इनको यूज कर चुके हैं तो उन्होंने मुझे इसका रिव्यू, खैर उल्टा उन्होंने मुझे दे दिया, मैं उन्हें क्या दूंगी कि दीदी अच्छे हैं। तो ये देखो इस तरीके के हैं, और ये जो हुक है ना ये मूवेबल है, बहुत ज्यादा रिजिड नहीं है। लेकिन इसकी क्वालिटी को लेके मैं थोड़ी सी असमंजस में हूं कि ये वजन कितना लेगा और कितना नहीं। खैर इसको देखते हैं लगा के, लेकिन इसमें वैरायटी और ऑप्शंस बहुत सारे हैं, और इसमें स्क्रू वाले भी हैं। अगर आप इसको सर्च करोगे ना इसके कोड को, तो आपको स्क्रू वाले भी मिल जाएंगे जिसमें इस तरीके से प्रॉपर स्क्रू है। तो अगर ग्लू वाइज ये सही जाते हैं, काम सही कर देते हैं, तो फिर इन फ्यूचर में या आप भी स्क्रू वाला भी मंगा सकते हो। इसका मैं आपको बताऊं हुक्स का, ये 20 का पैक है, महंगा भी नहीं है, 100 कुछ रुपए का है। तो अगर ये काम कर गया तो बढ़िया डील है। और बाकी लेकिन 120 रुपए का है उसमें ही, डिस्काउंट के बाद ही, वरना ऑलमोस्ट 200 और 200 से ऊपर भी ये जा रहा है। तो ये हो गया जी एक, कहना चाहिए इतनी सारी सजावट के लिए जरूरी चीज कि टांगेंगे किस पर। आप दिखाते हो आपको आगे क्या और सामान है। अब ये है जी वेलकम टू आर होम। तो अपनी नेम प्लेट हमने बाहर टांगी हुई है अभी, लेकिन वो पुरानी सी हो गई है, उसको थोड़ा रिन्यू करने का प्लान है। और ये मैं गेट के अंदर जब एंट्री हो जाएगी उस वाली वॉल पे टांगने का मेरा इसका प्लान है। तो इसमें उल्टा दिख रहा है लेकिन इस पर लिखा हुआ है वेलकम टू आर होम। और ये गत्ते पर ही है लेकिन अच्छी वाली क्वालिटी है, और इसमें इस तरीके का कॉटन का ये हैंगर है। तो ये मुझे अच्छा लगा, और शाइन वगैरह फिनिशिंग वगैरह इसमें अच्छी है। तो ये एक ये है, और ये बाद वालों के मैं आपको रेट अभी मुझे याद नहीं आ रहे, तो मैं सब मेंशन कर दूंगी, आप देख लेना कि उसमें कितने का है। लेकिन ये अश्योर करती हूँ कि कोई भी चीज इस हॉल में आपको इतनी महंगी नहीं मिलेगी जिसमें आपको ये लगे कि चीज के हिसाब से पैसे ज्यादा हैं। मैंने वही चीजें ऑर्डर की हैं जो चीज के हिसाब से पैसे थे, या फिर उससे भी कम थे कि पैसे हम कम दे रहे हैं, चीज अच्छी मिल रही है। तो ये उन्हीं में से एक है। तो ये एक सुंदर सा है वॉल हैंगिंग जो आप अपने घर के बाहर टांगेंगे, तो जो भी आएगा ना एक बार को इसको देख के एक स्माइल सी इसके चेहरे पर आ जाएगी। ये है जी देखो कितना सुंदर झरोखा, हालांकि ये थोड़ा महंगा है और प्रोडक्ट के मुकाबले, ये 786 रुपए का है, मतलब इन सेल डिस्काउंट विस्काउंट सब। इससे थोड़े छोटे, मतलब जिसका इतना अंदर का जी इतना झरोखा है ना, उतने बड़े जो है वो 500 तक में है, मिल जाएंगे। लेकिन जहां मुझे लगाना था तो मैंने सबसे बड़ा साइज यही था तो ये मंगाया। और ये देखो आप प्लेन दीवार पे आपको इसका लुक दिखाती हूँ,
तो ये बढ़िया सा एक, ये देखो है, ये लकड़ी का बना हुआ और अंदर जो है इसमें गत्ते का भी काम है, लेकिन ये चीजें ये सब लकड़ी है, ये गत्ता नहीं है, ये लकड़ी के बने हुए हैं, ये सब ये लकड़ी है, इसलिए इतना शायद ये महंगा है। तो ये गत्ता नहीं है कुल मिला के, मैं आपको दोबारा बताऊं। और ये सब जो पेंट है ये बिल्कुल हैंडक्राफ्टेड लिखा हुआ है, तो हैंडक्राफ्टेड लग भी रहा है, ये सब लकड़ी है और मतलब अच्छा है, सुंदर। तो आपके घर के किस कोने में ये बढ़िया लगेगा वो आप डिसाइड कीजिए। फिलहाल मैंने जिस दीवार के लिए मंगाया था उस पे भी अच्छा लग रहा है, लेकिन ये इतना सुंदर लग रहा है कि इसको कहीं भी ऐसे लगा के देख रही हूं ना तो अच्छा ही लग रहा है। तो ये मैंने अभी मंगा लिया है, बाकी भारी है और इसके लिए ना वही दीवार चुननी पड़ेगी जहां पर मैं कील ठोक सकूं, इसका मैं हुक वाला रिस्क नहीं लूंगी। तो जहां पर कील ठोक जाएगी ऐसी किसी दीवार पे इसको लगा के देखेंगे तो ये देखो, तो ये लगेगा बढ़िया। जिस दीवार पे भी इसके साथ फिर थोड़ा सा और सेटअप लगाएंगे, तो ये है झरोखा जो मुझे कई दिन से मंगाना था। अच्छा, इसमें ना DIY करने के लिए यहाँ पर देखो ये चकोर इन्होंने दिया हुआ फ्रेम सा, तो इसमें अगर हम शीशा लगा दें तो इसमें ये मिरर वाला बन जाएगा। इन्होंने तो नहीं दिया लेकिन ये हम इजीली अपने पास से कर सकते हैं क्योंकि इसमें बिल्कुल ये फ्रेम है। तो अगर एग्जैक्ट साइज का आपको शीशा मिल जाए तो ये शीशे वाला भी बन सकता है, अदरवाइज जो भी आपकी दीवार है आप उसका बैकअप इसमें दीजिए और ये बढ़िया लगेगा। तो ये है झरोखा, जो आपने बहुत सारी जो घर वाली रील्स आती हैं उनमें ये दिख भी रहा है और देखने में भी सुंदर लग रहा है। 7 हो गए, अब ये 8वें आते हैं जी स्टैचू, जो तो लोग ब्लॉगिंग पे जुड़े हुए हैं उन्हें तो दिख गया होगा, उन्होंने पहले भी देखा था, इसीलिए इसकी पैकिंग जो है वो मैंने अच्छे से खोल के देखी थी। एक्चुअली मैंने एक ही सेलर से ना 2 मंगाए थे, इतने अच्छे लगे थे, तो ये मुझे खोल के तसल्ली करनी ही थी कि कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है तो मैं वो रखूं। लेकिन जब खोला तो ये दोनों ही इतने अच्छे लगे कि मैं अभी इनमें से कोई भी वापिस नहीं कर रही हूं। तो इसलिए इनकी पैकिंग जो है डेलिकेट से है, तो बड़ी उससे की हुई थी, थर्माकोल और फिर ये वाली शीट इस तरीके से। तो ये है जी स्टैचू, इसकी लंबाई मैं आपको बताऊं 1 फुट के करीब है, देखो आप अंदाजा लगाओ 1 फुट के करीब ये है। और क्वालिटी वाइज, फिनिशिंग वाइज, ये जो फेशियल एक्सप्रेशन है, ये फोटोज में देख के ना रिव्यू में लग रहा था कि एक्सप्रेशन वाइज कैसा लग रहा होगा कैसा नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही अच्छा लग रहा है देखो। तो ये मंगाया है, अब ये ना रेजिन मटेरियल लिखा हुआ था, तो ये है जी एक इसका। तो इसके पैसे मैं आपको बताऊं 400 कुछ रुपए का ये है, शायद 500 कुछ रुपए का ये है, इसके भी मुझे पैसे याद नहीं है, लेकिन दोनों के थे। तो ये बड़ा वाला 100 रुपए महंगा था, 500 कुछ रुपए का है, और मतलब आप 500 मान के चलो सेल वगैरह में ये 500 तक का आपको पड़ जाएगा। तो ये एक अच्छा गिफ्टिंग ऑप्शन भी हो सकता है, और अगर आप अपने घर में सजाना चाहो तो वो तो है ही ठीक। इसका आपको दिखाती हूँ दूसरा पार्ट, कौन सा मतलब दूसरा मैंने कौन सा मंगाया। दूसरे वाले का थोड़ा सा साइज छोटा है, ये वाला लंबा है और वो थोड़ा सा इससे आधा मानिए, लेकिन सुंदर बहुत है वो भी। और मंगाया इसीलिए था, पहले मुझे यही पसंद आया था, लेकिन इसमें जो है कलर व्हाइट और गोल्डन है, तो ये थोड़ा सा मेरे दीवार से मैच हो रहा था, इसलिए मैंने वो मैरून कलर की उसमें लड़की की ड्रेस है इसलिए मंगाया। इसका वजन भी उससे कम है और ये लगभग इससे आधा है, ये समझिए कि 8 इंच का है लगभग। तो ये है जी दूसरा, तो ये भी मुझे ना बहुत सुंदर लगा, मतलब बहुत ही सुंदर है। आप मेन कैमरे से यहाँ पर क्लिप देखना, मैं सारे प्रोडक्ट के मेन कैमरे से लगा दूंगी ताकि आपको डिटेलिंग जो है वो और अच्छे से समझ में आए। लेकिन काफी हद तक देखो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि विजिबल नहीं है, क्लियर आ रहा है। तो यहाँ पर ये लाइट वेट से है, वॉशेबल है और अच्छे है, ये मुझे बहुत अच्छे लगे, तो इनको रख देती हूँ मैं अभी और आपको दिखाती हूँ अगला आइटम। फ्रेंड्स ये छोटा सा क्यूट सा प्लांटर, तो जो लोग मीशो पे स्क्रॉल करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, कहीं से भी मीशो क्या ये अमेजोन पर भी मैंने बहुत बार देखा है, तो उनको ये जरूर दिखा होगा। और ये चीज है ना, अगर हम ऑफलाइन लें तो ऐसा लगता है कि चीज के हिसाब से पैसे नहीं ले रहे, बहुत छोटे छोटे हैं और बहुत महंगे हैं, लेकिन यहाँ पर ये सही रेट में मिल गया था इसका मुझे फिर याद नहीं है, मैं आपको लिंक दे दूंगी, लेकिन ये अच्छे रेट में मिला और फिर मैंने इसको मंगा लिया। तो यहाँ देखो इसकी क्यूटनेस, ये छोटा सा, अच्छा इसमें ना नीचे होल दिया हुआ, तो आप चाहें तो इसमें सकुलेंट या फिर जेड प्लांट वगैरह ओरिजिनल भी लगा सकते हैं, अगर आप आर्टिफिशियल नहीं भी लगाना चाहें। और आगे या बैक साइड से, दोनों साइड से इसमें काम किया हुआ है, ऐसा नहीं है कि अगर आपने किसी ऐसी जगह रख दिया जहां से शीशे के थ्रू आप बैक साइड भी देख पाओ तो ये अच्छा नहीं लगेगा, ये अच्छा ही लगने वाला है दोनों साइड से।
तो ये क्यूट सा है कि सीढ़ियां, किताबें एंड ऑल दैट, तो ये मैं या तो एंट्रेंस पर या फिर इसको जहां लॉन एरिया है उसकी जो ड्रॉअर है उनमें रखूंगी, और इसमें देखते हैं कि आर्टिफिशियल या नॉर्मल जो प्लांट चल जाएगा वो। तो एक ये है, और ये भी 200 रुपए में शायद पड़ गया था, 200 से अंदर ही पड़ गया था शायद, मतलब मैं बता रही हूँ ना कि रीजनेबल रेट में पड़ा है, लेकिन एग्जैक्ट अभी याद नहीं है। तो ये था इस हॉल का 10वां प्रोडक्ट, और इन 10 प्रोडक्ट के साथ ये वाला हॉल वीडियो यहीं पर खत्म होता है, जिसमें आपने मेन सोफे के कुशन कवर और डेकोरेशन के 2-3 आइटम देखे। इससे अगले वीडियो में जब आप देखोगे तो ये जो 10 बचे हैं इनमें सब में डेकोरेशन के आइटम है केवल, इनमें और कुछ नहीं है। तो वो मैं आपको दूंगी फटाफट से 2 या 3 दिन में इसके बाद। लेकिन फिलहाल ये वाला पसंद आया हो, इनमें से कुछ भी चीज पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, से ब्यूटिफुल ऑलवेज।